हेलो गाइस, मैं हूं काजल और आप देख रहे हो काजल प्रेगनेंसी पॉइंट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी डिलीवरी जो है वो सर्दियों में जो है वो होने वाली है, तो आपको किन बातों का ध्यान करना चाहिए ताकि आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांस ज़्यादा हो और ऑपरेशन के जो चांस है वो कम हो जाए, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि फ्रेंड्स, हर एक गर्भवती महिला चाहती है कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए अगर आपके घर में कोई भी आपके पास बड़ा बुजुर्ग नहीं है और आपको कोई ये बातें जो है वो नहीं बता रहा है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरी देखना कि नॉर्मल डिलीवरी के चांस को आप कैसे हाई कर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आधी अधूरी जानकारी जो है वो हमेशा ही गलत होती है, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी आपको पता लगेगा कि सर्दियों में आपको किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए ताकि आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांस जो है वो हाई हो सके। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक गुजारिश हमेशा की तरह करूंगी कि जिस किसी ने भी अभी तक मेरी प्रेगनेंसी की जो वीडियो देख रहे हो आप, अगर उसको आपको और देखनी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हाथ को थोड़ा सा कष्ट दे के लाइक का बटन भी ऑन कर दीजिए। कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही थी कि आपको नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो आपको किन चीज़ों को जो है वो अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहली बात ये होती है फ्रेंड्स कि आपने सुना होगा कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए घी का प्रयोग जो है आपको करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आप ओवरवेट हैं तो घी खाने से जो है आपका वेट और बढ़ेगा, आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांस जो है वो कम हो जाएंगे, तो आपको सिजीरियन करना पड़ सकता है। घी जो है वो गुड फैट होता है घी के अंदर, तो आपका जो फैट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, आपके बच्चे का वजन भी जो है ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो नॉर्मल डिलीवरी के रास्ते से बच्चे का सर फिर नहीं आ पाएगा, क्योंकि बच्चे के अंदर जो है सबसे भारी जो है बच्चे की बॉडी पार्ट में सर होता है। अगर बच्चे का पूरा बॉडी जो है वो हैवी हो जाएगा तो वजाइना के थ्रू जो है बेबी का बर्थ नहीं हो पाएगा, आपका सिजीरन करना पड़ जाएगा। तो अगर आप 80-90 किलो हैं तो आप घी को अवॉइड कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट ये आता है फ्रेंड्स कि अभी तक अगर आपने गुनगुने पानी का सेवन नहीं किया है, ठंडा पानी पी रहे हैं, तो भी आप रुक जाइए। ठंडा पानी पिएंगे तो आपकी जो आंतें हैं ना वो फ्लेक्सिबल नहीं हो पाएगी, वो कड़क रहेंगी, उनको लूज करना है आपको ताकि आपकी सर्विक्स का मुंह खुल सके और आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांस जो है वो हाई हो सके। तो उस चीज़ के लिए जब वो सुकड़ी हुई रहेंगी फ्रेंड्स, तो वो कहाँ से बच्चा जो है अपना सर जो है वो नीचे लेकर के आएगा। तो उनको लचीला बनाने के लिए आपको गुनगुने पानी का सेवन करना चाहिए ताकि आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांस जो है वो हाई हो सके। तीसरा पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि आपको जो है ना सर्दियों में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं खानी है जिससे आपको खांसी जुकाम बुखार हो सके, क्योंकि जब आप इन चीज़ों से ग्रस्त हो जाती हैं तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांस जो है वो कम हो जाते हैं। आपको कुछ ऐसी टेंशन नहीं लेनी है फ्रेंड्स जिससे आपका बीपी हाई हो। अगर प्रेगनेंसी के दौरान फ्रेंड्स आप तनाव में आ जाती हैं कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी करानी है, मैं क्या करूं क्या ना करूं, अगर इस चीज़ की भी टेंशन नहीं है, अगर घर में कुछ ऐसी बात है जो आपको बहुत ज़्यादा खाए जा रही है, बहुत टेंशन में है आप, तो उससे आपका बीपी हाई होने की प्रॉब्लम जो है आपको हो सकती है। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स जो आपका बीपी हाई कर देती है, जैसे कि अगर आप खाने में ज़्यादा नमक लेते हैं तो भी आपका जो है बीपी हाई हो सकता है, और जब आपका एकदम से बीपी हाई होता है तो डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी के चांस नहीं लेते हैं, फटाफट से सीजरन करके बच्चे को निकालने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान रखिए कि नमक आपको कम खाना है, कोई ऐसा फूड नहीं खाना है जिससे आपका बीपी हाई हो, ठीक है, और ना ही ऐसा कोई तनाव लेना है। हैप्पी रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, खुशियाँ लेते रहिए, यही जिंदगी का उसूल होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि कोई भी आपको जंक फूड जो है बाहर का कोई भी सामान नहीं खाना है फ्रेंड्स 9वें महीने में खास करके,
क्योंकि पता नहीं कब का तेल है वो, कब की क्या चीज मिला रहे हैं, कब की जो पैकेट वाली चीज होती है उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए जो है बहुत सारे केमिकल का यूज किया जाता है, ताकि उनकी सेल्फ लाइफ जो है वो बहुत दिनों तक चल सके। तो आपको कोई भी पैकेट वाली चीजें जो है वो नहीं खानी है, ना ही पैकेट वाले आपको जूस पीने हैं। कोई भी पैकेट का सामान जो होता है फ्रेंड्स, उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए उसके अंदर बहुत सारे केमिकल खाने हैं तो डाले जाते हैं, तो आपको वो चीजें नहीं खानी है। आपको जो भी खाना है घर का शुद्ध खाना खाना है और गर्म खाना खाना है। बासी खाना भी आपको नहीं खाना है प्रेगनेंसी के दौरान, अगर आप अपनी नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं। अगर आप कोई जंक फूड खा रहे हैं, बाहर की कुछ चीज खा रहे हैं, उससे आपको लूज मोशन हो सकते हैं, आपको डायरिया हो सकता है, आपका पेट खराब हो सकता है, आपको कई तरह की प्रॉब्लम जो है वो वहां से हो सकती है, तो आपको ये चीजें जो है वो अवॉइड कर देनी है। इसके बाद फ्रेंड्स पॉइंट आता है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर है या फिर आपको डायबिटीज है तो आपको मीठा भी नहीं खाना है। फ्रेंड्स बहुत सारी महिलाओं को प्रेगनेंसी की क्रेविंग होती है मीठे खाने की, तो जरूरत से ज्यादा अगर आप मीठा खाएंगे तो आपको जो है ना डायबिटीज होने के, शुगर होने के जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आपको शुगर आया हुआ है और उसके बावजूद भी आप मीठा खा रहे हैं तो आपको कंट्रोल करना जो है वो बेहद ज़रूरी है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान बीपी और शुगर जो है अगर आपका हाई होता है तो भी आपके नॉर्मल डिलीवरी के लिए डॉक्टर हाँ नहीं करते हैं, तब भी आपका जो है वो सिजीरियन कर देते हैं। तो ये कुछ ऐसी बातें होती हैं फ्रेंड्स जो छोटी छोटी होती हैं, और आपसे जो है जाने अनजाने में जो है इन बातों को लेके गलती हो जाती है, और आप जो है ये सामान, ये जो चीजें मैंने आपको बताई है ये बहुत ही बारीकी वाली चीजें और बहुत ही छोटी चीजें हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मन करता है आइसक्रीम खा ली, कोल्ड ड्रिंक पी ली, तो ये सब चीजें जो है ना अवॉइड कीजिए। एक और बात बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के दौरान अब जो ठंड चल रही है फ्रेंड्स, तो उसके अंदर सभी लोगों का मन करता है कॉफी पीने का, चाय पीने का। तो फ्रेंड्स चाय और कॉफी को आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि उसके अंदर जो है ना कैफीन की मात्रा बहुत होती है। देखिए कैफीन हमारी प्रेगनेंसी में 1 कप सुबह और 1 कप शाम को अगर आप पीते हैं तो वो इनफ है। या तो आप 1 कप कॉफी की आदत डाल लीजिए या फिर आप चाय की आदत डाल लीजिए। ऐसा नहीं आप कॉफी भी पी रहे हैं चाय भी पी रहे हैं तो उससे क्या होगा, और चॉकलेट, चॉकलेट के अंदर भी जो है ना फ्रेंड्स कैफीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो हमारे खून को बनने नहीं देती है। और 9वें महीने में हमें नॉर्मल डिलीवरी के लिए खून की जो है बहुत ज्यादा जरूरत होती है। हमारी बॉडी के अंदर जो है 11-12 पॉइंट खून होना चाहिए, तभी हमारी नॉर्मल डिलीवरी जो है वो पॉसिबल होती है। तो अगर आप चाय के ज्यादा शौकीन हैं और आपको ठंड में जो है वो चाय पीना बहुत अच्छा लगता है, तो अभी से जो है आप अवॉइड कर दीजिए। और अगर आपके अंदर खून की कमी डॉक्टर ने बताई है तो अभी से जो है चुकंदर खाना, गाजर खाना, टमाटर खाना, किशमिश को भिगो करके खाना, मुनक्के को खाना, इन चीज़ों से जो सभी चीज़ों से जो है आपका ब्लड बहुत जल्दी बढ़ता है। अगर आपको मीठे की क्रेविंग हो रही है तो फ्रेंड्स आपको जो है ना गुड़ जरूर खाना है। गुड़ से क्या होगा, अगर आपके कफ वगैरह भी हो रहा है ना, तो गुड़ जो है आपके कफ को भी मेल्ट करके आपके पॉटी के रास्ते से निकाल देता है। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि खाने के साथ जो है ना आप थोड़ा सा गुड़ लेके जरूर बैठिए, इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्ट्रांग होता है, आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होता है और आपकी मीठे की क्रेविंग भी जो है वो थम जाती है। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एक अपडेट हर एक रोज आपके लिए मैं लाती रहती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना और अपने बेबी का ध्यान रखना, सुरक्षित रहना, सेफ रहना, इंजॉय करना अपना प्रेगनेंसी को। इस वीडियो को देखने के बाद फ्रेंड्स कोई भी आपके मन में सवाल चल रहा हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करिए, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी।